जरीपटका के चर्चित हेडक्वार्टर बार में चल रहा हुक्का अड्डा पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने बार संचालक, किराए पर चलाने वाले सहित चार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करके 15,000 रुपए का माल बरामद किया है। जरीपटका पुलिस थाना अंतर्गत द हेडक्वार्टर बार एंड रेस्टोरेंट है। यह आरंभ से ही चर्चा में रहता है। PSI रूपाली फटिंग को बार की पहली मंजिल पर ग्राहकों को हुक्का पिलाए जाने का पता चला। इसके आधार पर पुलिस ने रात 12:56 के दरमियान दबिश दी। पुलिस को कुछ लोग हुक्का पीते मिल गए। पुलिस को देखकर हुक्का का सेवन कर रहे लोगों में खलबली मच गई। पुलिस ने हुक्का का सामान बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर शुभम केवल रमानी द्वारा बार किराए पर ले जाने का पता चला, जिसके आधार पर शुभम और उसके साथियों को हिरासत में लिया गया। बताया जाता है कि बार में अक्सर देर रात तक पार्टी चलाई जाती है, इसकी पुलिस को भी जानकारी होती है। इस कार्रवाई से भी सच्चाई का पता चलता है। आरोपियों के खिलाफ कोपटा तथा मुंबई पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई DCP मनीष कलवानिया के मार्गदर्शन में PI वैभव जाधव, PSI रूपाली फटिंग, हवलदार दीपक बिंदानी, नायक गजानन रामचंद्र, अमोल तथा नरेश ने की। दिनांक 26/3/2022 रोजी माननीय DCP सरांचा नाईट राऊंड असल्याने, माझे रात्रपाळी ड्युटी असल्याने मी कोशिंबला हजर होते। माननीय DCP सरांचा मला त्यावेळी फोन आला की द हेडक्वार्टर बार अँड रेस्टॉरंट येथे हुक्क्याची सोय करून देण्यात आलेली आहे। या माहितीवरून मी माझे रायटर मनीष कोकरडे, DB पथकाचे बिंदाणे मेजर व आमची पोलीस टीम यांच्यासह मी घटनास्थळी गेले। तिथे हुक्का पार्लर सुरू असल्याचे, हुक्क्याची सोय करून दिल्याचे आमच्या निदर्शनास आल्याने आम्ही मग तिथे माननीय DCP सरांच्या मार्गदर्शनाखाली हुक्का कारवाई केली। त्यामध्ये आम्ही एकूण 10 हुक्क्याचे पॉट, 10 नळ्या, 2 चिलम, 1 किलो प्रीमियम तंबाखू, 5 फ्लेवर आणि हुक्का ओढण्याचे 5 नोझल पॅकेट असा एकूण 15,330 रुपयाचा माल जप्त केला। आणि त्यातले 4 आरोपी, त्यामध्ये तरुण दीपक करमचंदानी हा मेन आरोपी आहे। याने ते भाड्याने घेतलेलं आहे, ते द हेडक्वार्टर बार अँड रेस्टॉरंट जे आहे त्यांनी भाड्याने घेतलेलं आहे। आणि त्यामध्ये इतर 3 आरोपी, शुभम केवल रमानी हा स्टोर मॅनेजर आहे, कृष्णा पाटील सर्व्हिस डिपार्टमेंट पाहतो आणि जितेंद्र मडामे हा कॅशियर आहे। सदर गुन्ह्यात हे आता तपास सुरू आहे। त्यामध्ये आरोपींना विचारपूस केल्यानंतर आपल्याला नेमकं कळेल किती दिवसापासून सुरू होतं। प्राथमिक माहितीवरून आपल्याला ते 1-1.5 महिन्यापासून सुरू असल्याचं माहीत झालेलं आहे। मेन आरोपी यामध्ये तरुण दीपक करमचंदानी आहे। आणि समोरचा तपास सुरू आहे। सदर गुन्ह्यामध्ये माननीय SCP सरांचं, PI सरांचं, PI सर वैभव जाधव तसेच सेकंड PI कुमारे सर यांचं आम्हाला मार्गदर्शन प्राप्त होतं।